सेवन स्टार किचन को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। हेलो एवरीवन, सेवन स्टार किचन पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं जर्दा राइस। ये स्वीट डिश जनरली शादियों और पार्टियों में बनाई जाती है। इसे बनाना बहुत आसान होता है और यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए देखते हैं जर्दा राइस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें चाहिए होंगे चावल 250 ग्राम, गोल्डन सेला राइस लेने हैं 2 चाबी वाले, ऑरेंज फूड कलर 1/4 चम्मच जो कि ऑप्शनल है, चीनी 1 कप या फिर 250 ग्राम, घी 4 चम्मच, लौंग 4, हरी इलायची 3, मिक्स ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू बादाम गरी मुनक्का 50 ग्राम, खोया 100 ग्राम, 1/2 चम्मच टूटी फ्रूटी और थोड़ा सा चांदी का वर्क, ये भी ऑप्शनल है, ये हम खाली गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर जर्दा राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इन चावलों को 1/2 घंटे के लिए पहले से धोकर भिगा दिया था। हमने यहाँ पे गोल्डन सेला राइस लिए हैं 2 चाबी वाले। ये जो राइस होते हैं ये खिले खिले बनते हैं, इसलिए जर्दा राइस बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमने एक बर्तन में ये राइस ले लिए हैं और इसमें लगभग 4 कप मैंने पानी डाल दिया है। अब 1/4 चम्मच मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर मैंने ऑरेंज लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें नहीं तो ना करें। फूड कलर को भी चावल में डाल देंगे और इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और इन चावलों को हाई और मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए, हमने चावलों को 20 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें से एक दाना निकाल कर देख लेंगे कि ये पका है कि नहीं। चावल पक चुके हैं, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इन चावलों को हम एक छन्ने की मदद से पानी से अलग कर लेंगे। ये देखिए, चावलों से हमने पानी को पूरी तरीके से हटा दिया है और अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। जितने हमने चावल लिए यानी कि 250 ग्राम, उतनी हमें चीनी भी लेनी होती है। अगर आप चीनी थोड़ा कम खाते हैं तो इसे कम भी कर सकते हैं। चीनी को चावलों में डालने के बाद चीनी को हम बहुत ही हल्के हाथों से चावलों में मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बहुत आराम आराम से करना है। अगर हम इसे ज़्यादा स्पीड में या फिर बहुत ज़्यादा चलाकर मिक्स करेंगे तो चावल टूट जाएंगे, उससे हमारा जर्दा राइस देखने में अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए, हमने चावलों में चीनी मिक्स कर दिया, अब हम इसे ऐसे ही रख देंगे। और अब हम स्टोव पे कुकर या कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें हम 4 चम्मच घी डालेंगे, फ्लेम को हम लो रखेंगे। घी को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। और घी को हम पिघलने देंगे। घी हल्का गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 4 लौंग डालेंगे। और अब हम इसमें 3 खड़ी इलायची डालेंगे। इलायची को हमने हल्का सा क्रश कर लिया है। और इसके साथ ही हम घी में अब बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स करेंगे जो कि हमने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पे मैं 1 चम्मच काजू डाल रही हूँ, 1 चम्मच हमने बादाम लिया है। काजू और बादाम को हमने 1/2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। और 1 चम्मच इसमें मैं गरी का गोला डाल रही हूँ। गरी के गोले को हमने पतले पीसेस में डिवाइड कर लिया है। और अब इन सब ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये जो ड्राई फ्रूट है इसे लगभग हमने 1/2 से 1 मिनट तक पका लिया है। फ्लेम को हमने लो ही रखा है। और अब हम इसमें 1 चम्मच किशमिश डालेंगे। किशमिश को सबसे लास्ट में हम इसलिए पकाने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है। ये देखिए, किशमिश को डालते ही किशमिश पक गया है, यानी कि ये फूल गया है। और अब हमने जो चावलों को चीनी में मिक्स करके रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इन चावलों को हम मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे।
इन चावलों में जो चीनी पड़ी है वह थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, यानी कि शुगर सिरप छोड़ेगा। इन चावलों को हमें जब तक पकाना है जब तक कि इसमें जो चाशनी है वह ख़त्म ना हो जाए। इसे हम बीच में एक बार बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बीच में ये चेक करना चाहते हैं चाशनी पूरी तरीके से ख़त्म हुई या नहीं, तो आप थोड़ा सा चावल हटा के ये देख सकते हैं। इन चावलों को आप बहुत ज़्यादा हिलाएं नहीं तो ये टूट जाएंगे। जब चावल में चाशनी ख़त्म होने लगेगी तो चावलों में नीचे से आवाज़ आने लगेगी, मतलब चिड़चिड़ की आवाज़ आने लगेगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि जर्दा राइस रेडी हो चुके हैं। ये देखिए हमारे जर्दा राइस रेडी हो चुके हैं। लगभग इसे हमने हाई और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लिया है। आप इसे पकाते वक्त ध्यान देते रहें, नहीं तो ये जल सकते हैं। आप इन्हें तड़का देने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक ना पकाएं। और अब हमने जो 100 ग्राम खोया लिया था उसे भी हम इसमें मिला देंगे। खोए को हमने हल्का सा क्रश कर लिया है। मैंने इसे कद्दूकस से क्रश किया है, आप चाहें तो हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। और खोए को भी हम जर्दा राइस में मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारी जर्दा राइस बनकर तैयार है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अब हम जर्दा राइस को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम जर्दा राइस को थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और चांदी के वर्क से गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जर्दा राइस बनकर तैयार है। ये एकदम पार्टी स्टाइल यानी कि शादियों वाला जर्दा राइस दिख रहा है। तो आप भी अपने घर पर इसे ट्राई करें और आपके घर अगर कोई मेहमान आए तो उन्हें बनाकर खिलाएं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।